आपको क्यों ऐसा लगा कि हमें नाटक के द्वारा लोगों को जागरूकता करना चाहिए? हम समाज में रहते हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, पनवाड़ी और आठ या तो हम देखते हैं आए दिन लोगों की स्थिति देखते हैं, तो हमें इससे प्रेरणा मिली कि एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए होने के नाते हम शिक्षण के साथ साथ कुछ ऐसा कर दिखाएं जिसका समाज पर सीधा असर पड़े। नशा वगैरह है, इनको हम कैसे खत्म करें, और इसके माध्यम से हम अपने सभी जैसे कॉलेज वगैरह ब्लॉक स्तर पे है तो उन पे करवाते हैं कि क्योंकि जो हमारा समाज खराब हो रहा है तो इससे कुछ सुधार आ सके। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है आपके कुलपहाड़ में, तो किस तरह से आपको लगा? आपको बहुत अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा हुआ है? नशा मुक्त योजना, ये जो भाई लोग हैं नशा करते हैं, गाना पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इसको रोकने के लिए क्या भाई नाटक हमको अच्छा लगा। उन्होंने जो समझाया बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि दारू पीना सबसे बेकार है। क्या ये नाटक हर जगह होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, ताकि प्रभाव तो कुछ पड़े व्यक्तियों को। क्यों होना चाहिए हर जगह? इसलिए कि जो व्यक्ति दारू पी दे वो कम से कम छोड़ तो दे इसको, कि हम कहते नहीं है 100 में कम से कम 90% कम हो जाएगी, 10% तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब 90% कम हो जाएगी तो 100% तो हो ही होगी। हर कॉलेज में हमारी एक अलग परंपरा है, अन्य महाविद्यालय से इतर अनुशासित है, वेल ड्रेस्ड है और संस्कारित है। हमारे प्रबंध तंत्र द्वारा ये चाहा गया था कि शिक्षणेतर क्रियाकलापों के माध्यम से शिक्षण के अतिरिक्त कुछ ऐसे समाज सुधार संबंधी कार्यक्रम किए जाएं जिनसे आम समाज को एक प्रेरणा मिले और बच्चे अपना भविष्य अच्छा बना सकें। इसी कड़ी में हमने ये नुक्कड़ नायक का नाटक का ये आयोजन आपके कुलपहाड़ में किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस नुक्कड़ नाटक का इस नगर वासियों पर और खासकर जो दुर्व्यसन में लिप्त है एक अवश्य रूप से इसका प्रभाव पड़ा होगा।